राम राम जी। मैं राहुल मवाना पीने वाला, मैंने आज स्पेशल ये वीडियो स्पेशल में बनवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ किसान भाइयों के फोन से करते हैं मुझे फोन के मुरब्बा किस लिए, बांस के मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हेड का मुरब्बा, इन मुरब्बों की खाने की प्रतिक्रिया के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कुछ किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि गंगा स्नान का मेला पास में है, समय बहुत कम है, भैंसों की खिलाई पिलाई बढ़िया चल रही है, किसी के भैंस लीवर से परेशान है, कोई भैंस से परेशान है। अपने बड़े भाई मेरे गुरुजन कन्हैया खेड़ी खान खेड़ी और मेरे भाई ये मोरना से, और भाई मैंने कुछ भाइयों को अपनी दुकान पर बुलाया है इस चीज की सभी भाइयों को जानकारी के लिए, जानकारी देने के लिए। मेरे भाई टिगरी से है, भाई है खान खेड़ी और कन्हैया भैया से जानकारी लेते हैं मुरब्बे के बारे में। भैया बताइए आंवले के मुरब्बे के बारे में क्या जानकारी है आपके बारे में? अभी किसान भाइयों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट, कितना खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए आंवले की? आंवले का मुरब्बा देना चाहिए छोटे को? नहीं, कितना देना चाहिए क्वांटिटी? 5-6 पीस आंवले के। किस तरह से? 1 किलो धोके गए। धोके? हाँ धोके से। अच्छा, दोनों टाइम में या एक टाइम? एक टाइम। एक टाइम भैया किस काम के लिए आए गए? कई काम आ रहा है, स्टैमिना बढ़ाता है, स्टैमिना के लिए। और भैया कुछ और भी इसकी प्रक्रिया? चमक भी लाता है जोटे में, चमक लाता है, यानी कि उसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, और भैया करने खान भैया ये बताइए, जो वो वाला मुरब्बा पास का, उसके क्या बेनिफिट होते हैं? लोग पास का मुरब्बा बहुत मांगते हैं सांस के लिए, और कुछ जी? वो लंबी दूरी काम करता है, लंबी दूरी काम करता है। अच्छा, और भैया इसकी खुलाने की प्रक्रिया? धोके। क्वांटिटी कितनी लगभग? लगभग 8-10 पीस। जैसा उन्ना हो उसके लिए कितना? 4 पीस। और जो थोड़ा बड़ा हो? 4-7 पीस। धोकर रोज? छोटे को 100 ग्राम, बड़े को 200 ग्राम। अच्छे, इस तरह से। तो ये उसके साथ साथ कोई लीवर किया, कोई ऐसी कोई सिरप, कोई मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ, कुछ किसान भाई मेरे पास कॉल करते हैं कि भैया हम आम सेब का मुरब्बा खिला रहे हैं, हेड का मुरब्बा खिला रहे हैं, आंवले का, उनके लीवर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कि ठप हो गया झोंका, प्रतिक्रिया पता खिलाने पिलाने की पूरी चल रही है, दूध भी चल रहा है उनका और उनका दलिया वगैरह। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनके साथ मुरब्बा सभी किसान भाई उनके साथ ही मुरब्बा खिलाए या अलग से खिलाए? टाइम बना लगा तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इन सब चीजों की जो खिलाई पिलाई चल रही है इनका एक टाइम हो, हम तो इस टाइम तक वाले नहीं जाने के लिए बाबू रब्बा होगा मिले पाए। किसान भाई इनके जो आपके पशु हैं उन पशुओं को आप जैसे खिला रहे हो अच्छी तरह, बहुत उनका पालन पोषण हो रहा है बहुत बेहतर तरीके से, और उन आए दिन कुछ जैसे मेरे पास कल नजीब पास का फोन आया था, वो मेरे पास था आंवले के टीम लेकर गए थे, और ऑलरेडी वे पहले से उसी खिलाई पिलाई कर रहे थे अपने भैंसे की, और वो कहने लगे भैया छोटे में दम नहीं बढ़ रहा ठीक उनकी खिलाई पिलाई में, और उनका सांस नहीं बढ़ रहा और लीवर मतलब कमजोर सा होता जा रहा उनका। तो मैंने इसलिए भैया को बुलाया है, और ये सही भाई ये वीडियो का पर्पस यही है, सभी किसान भाइयों के पशु स्वस्थ रहे अच्छे रहे, और गंगा का जो मेला है ये अच्छे से पूर्ण तरह से अच्छा हो, तो मैंने जानकारी देने के लिए बुलाया। ठीक है, राम राम भाई।